अमरनाथ जी। ओ कामना जी, आइए आइए। नमस्ते अंकल। कैसे हो बेटे? जी बिल्कुल ठीक हूँ। अमरनाथ जी, अरुणा हमारे घर आई थी, उसे कुछ गलतफहमी हो गई हमें लेकर। जानता हूँ कामना जी, और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि अरुणा को हम समझा लेंगे। कामना जी, इस पूरे किस्से को बस आप तो भूल जाइए, छोड़ दीजिए। अमरनाथ जी, आज दीपक आपसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया है। अच्छा, कौन सा प्रोजेक्ट है दीपक, बताओ जरा। अंकल, मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। दरअसल इसके पार्ट्स हमें या तो जापान से मंगाने पड़ते हैं या अमेरिका से मंगाने पड़ते हैं, लेकिन मैं इसके पार्ट्स यहाँ इंडिया में ही बनाना चाहता हूँ। लेकिन अंकल, किसी भी बड़े काम को शुरू करने के लिए किसी बड़े आदमी का साथ होना और उनका आशीर्वाद तो बहुत जरूरी होता है ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ दीपक, बोलो किस तरह की मदद चाहते हो। बस इसके पापा चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आप इसके साथ मिलकर शुरू करें। आपका हाथ इसके सर पे रहेगा तो इसका तो फ्यूचर ही बन जाएगा। अंकल, इसका मैंने पूरा प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर लिया। अंकल, हाँ, ये पूरा प्रोजेक्ट मैं जापान से मंगा लूंगा और हाँ, इसका रॉ मटेरियल वो इंडोनेशिया से। अंकल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इसमें जितनी भी लागत लगाएंगे 6 महीने के अंदर मैं उसका 40% एनी हाउ निकालूंगा। इंप्रेसिव। कामना जी, हमें तो ये प्रोजेक्ट पसंद आया, डिटेल में मैं बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन आप संजीव जी से कहिए कि इस प्रोजेक्ट में मैं दीपक के साथ हूं। मिस्टर मल्होत्रा, आपके क्या राय है? सर, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और मुझे पूरा विश्वास है कि दीपक इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकता है। आपकी नसीहत ने दीपक में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा कर दिया है सर। मिस्टर मल्होत्रा, दीपक अब सिंसियर हो गया है। वैसे आज के दौर में अपने औलाद की सही तरीके से परवरिश करके उसके फ्यूचर को बेहतर बनाना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता है। आप ठीक कह रहे हैं सर, औलाद की तरक्की में ही पेरेंट्स की सबसे बड़ी खुशी होती है। मिस्टर मल्होत्रा, मैं सोच रहा हूं कि यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, अगर कोई सही पार्टनर मिल जाए तो ये प्रोजेक्ट आराम से पूरा हो जाएगा। वैसे दीपक इस सिलसिले में मिस्टर अमरनाथ से मिलने वाला है। ये तो और भी अच्छी बात है, अमरनाथ जी हमारे जाने पहचाने हैं। मुझे दीपक का इंतजार है, आप ये फाइल कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। जी। ये तो आपका बड़प्पन है अमरनाथ जी, पर ना आज के जमाने में कौन किसका साथ देता है। कामना जी, इस प्रोजेक्ट में मेरा भी फायदा है और इसीलिए मैं तैयार हो गया हूँ। अरे नहीं नहीं बेटे, नहीं। Wish you all the best. Thank you, thank you very much. तो अमरनाथ जी, हम लोग चलते हैं, पार्टनरशिप के पेपर्स तैयार हो जाए तो फिर हम आपके पास आएंगे। ठीक है। और हम सरिता कैसी है? क्या बताऊं कामना जी, बस वैसी ही है। ठीक है, हम उससे मिलने आएंगे। थैंक यू अंकल, बाय बाय बाय। रिपोर्ट्स आर गुड, बीपी भी काफी नॉर्मल तक आ चुका है। ये रिपोर्ट। आपने मुझे बुलाया डॉक्टर साहब? आइए आइए मिस्टर मनात, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आप अपनी बेटी सरिता को घर ले जा सके। घर ले जा सकता हूँ डॉक्टर, इस हालत में? देखिए, उसे कब होश आएगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, एक दिन भी लग सकता है और एक साल भी। उसकी बीमारी से आप पर और आपकी पत्नी पर असर होना जाहिर है, और आपका रुपया भी काफी खर्च हो रहा है। डॉक्टर साहब, मेरी दौलत मेरी बेटी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। जानता हूं, लेकिन मैं भी उन डॉक्टर्स में से नहीं हूं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए मरीजों को हॉस्पिटल्स में रखते हैं। वैसे डॉक्टर साहब, अगर दौलत से मेरी बेटी अच्छी हो सकती है तो मैं अपनी सारी दौलत लुटा चुका होता,
यानी कि आप फिक्र मत कीजिए, वीक में 2-3 विजिट मैं भी कर लिया करूंगा। डॉक्टर नम्रता जी, सरिता की डिस्चार्ज रिपोर्ट तैयार कर दो। ओके डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सर। क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा कि हम सरिता को घर ले जा सकते हैं। ऐसी हालत में? हाँ अरुणा, उन्होंने कहा कि इस हालत में सरिता का घर पे रहना ही बेहतर होगा। एक नर्स रहेगी हमारे साथ जो सरिता की देखभाल करेगी। द्वारका, तुम डिस्चार्ज पेपर ले आओ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप अपनी पैकिंग शुरू कर दीजिए, मैं दवाइयां पैक कर लेती हूँ। ओके अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं तुम लोग का इंतजार कर रहा था। लेकिन ऐसी क्या खास बात होगी डैड? आओ भाई बैठो तो सही, आओ कामना सिट बैठो। कामना, मैंने सोचा है कि दीपक के प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए, इस बारे में तुम अमरनाथ जी से बात कर लो। हम लोग उनसे बात करके ही आ रहे हैं, वो इसके साथ उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। भाई वाह, ये तो तुमने कमाल ही कर दिया कामना। कामना सही काम करने में कभी समय नहीं लगाती, अब जो करना है उसमें देरी किस बात की। इसने अपने प्रोजेक्ट के बारे में इतनी अच्छी तरह से उन्हें समझाया है कि उन्होंने तुरंत हां कर दी। डैडी, अगर किसी को भी कन्विंस करना हो ना तो मम्मी कमाल का करती हैं। हम लोग तो सारी बातें कर रहे हैं उनसे, आप जाइए, जाकर एक बार मिलाइए। हाँ, मुझे सरिता से मिलने हैं, हॉस्पिटल तो जाना है। ये तो और भी अच्छा रहेगा, इसी बहाने दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। एक काम करो दीपक, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ हॉस्पिटल से होकर आता हूँ। नहीं, हम तो मिल ही आए हैं, आप जाइए ना हॉस्पिटल, मिलकर आइए उनसे। भाई कामना, तुम्हें ले जाने का मकसद यही है कि अरुणा की गलत फहमी दूर हो जाएगी, तुम वहां पर रहोगी तो खुद उसको समझा दोगी। मम्मी, आप डैडी की बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? अरुणा आंटी के दिल का शक दूर होना जरूरी है, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर दिल की बात दिल में ही रह जाती है तो वो बढ़ती है घटती नहीं है। अच्छा ठीक है, चले जी। अब आप लोग बेफिक्र हो जाइए और जाके आराम करिए। चलो अरुणा, तुम्हें आराम की जरूरत है, और वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए कितने दिन हो गए। Excuse me. Yes. ये रूम नंबर 403 कहाँ है? आपको किससे मिलना है? मिसेस सरिता वर्मा से। उनको आज ही डिस्चार्ज कर दिया गया। मतलब? उनको घर शिफ्ट कर दिया गया। ओके, थैंक यू। चलिए ना, हम उनके घर चलते हैं। ठीक है। आइए आइए। आइए। वालेकुम। संजीव साहब, आइए आइए। नमस्ते वरदा जी। नमस्ते। कैसे? बस ठीक ठाक। आइए बैठिए, आइए कामना जी, बैठिए। द्वारका, संजीव साहब और कामना जी के लिए जरा चाय का इंतजाम। अमरनाथ जी, हम लोग अस्पताल गए हुए थे, वहां से पता लगा कि सरिता बेटी डिस्चार्ज हो चुकी है। मैं यहां पर था नहीं, वरना। हाँ, कामना जी ने बताया था। अरुणा जी, कामना की वजह से जो आप लोगों को तकलीफ पहुंची है उसके लिए मैं। नहीं नहीं भाई साहब, अगर वही बात कामना मुझे भी बताती तो मैं उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती। अरुणा, सो तुम अपने होश में ही कहां थी? कामना जी ने तो सलाह सिर्फ इसलिए दी थी कि बच्चे की मौत के सदमे की वजह से बात बढ़ न जाए,
यही बात थी ना कामना जी? हाँ मन्ना जी, उस दिन अगर अरुणा ने हमारी बात सुनी होती तो हम कुछ समझा पाते ना। अरुणा तुम ही सोचो, अगर हमारे मन में खोट होता तो हम रामकिशोर जी के यहाँ क्यों जाते हैं खबर लेके? वही बात अगर मुझे पहले बताती तो कितना अच्छा होता। हाँ, ये गलती हमसे जरूर हुई और इसके लिए हम आप लोगों से माफी चाहेंगे। अरे क्या बात कर रही है कामना जी, जो होना था वो तो हो चुका, आप तो काफी समझदार है। खैर अब बात साफ हो गई, छोड़िए इन बातों को। हाँ तो संजीव साहब, आपके बेटे दीपक का प्रोजेक्ट हमें पसंद आया। प्रोजेक्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है अमरनाथ जी, दीपक कह रहा था कि आप ये प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हैं। भाई हमने तो रजामंदी दे दी है, कामना जी से पार्टनरशिप के पेपर्स तैयार कराने के लिए भी कह दिया है, तो ठीक है ना? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अरुणा सहिता कहाँ है? अपने कमरे में, जब हम उसे देख कर आते हैं। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? रामकिशोर जी बताइए कैसे आना हुआ? हम ये जानने के लिए आए हैं कि आपकी तफ्तीश कब पूरी होगी, हमें इस बात का कब पता चलेगा कि हकीकत क्या है, बच्चे के मरने का कारण क्या है। रामकिशोर जी तफ्तीश के लिए वक्त लगता है, अब ऐसे तो नहीं होता ना कि भैया सबूत वहां पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम गए और सबूत को हासिल करके आ गए। हाँ सबूत ढूंढने के लिए वक्त लगता है रामकिशोर जी, छानबीन करनी पड़ती है और छानबीन के लिए काफी सारा वक्त जाता है, आसान काम नहीं है ये। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपने समझ लिया है। मुझे तो लग रहा है कि आप इस केस की छानबीन में सुस्ती बरत रहे हैं या फिर कारण कोई और है। देखिए मिस्टर रामकिशोर, इस वक्त आप पुलिस स्टेशन में खड़े हैं और एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर के साथ आप इस तरह बात नहीं कर सकते। अच्छा तो फिर किस तरह की बात करें? हमने आपके पास रिपोर्ट दर्ज करवाई है, आपने इंक्वायरी की, किसी के बयान ली। देखिए मिस्टर आशुतोष, इस पुलिस स्टेशन में सिर्फ आपका केस नहीं है, सैकड़ों केसेस है और कानून का काम कानून के तरीके से होता है, आपके तरीके से नहीं। कानून की बात शायद मैं आपसे बेहतर जानता हूं, मैंने उस समय वकालत की डिग्री हासिल की थी जब आप अपने पिताजी की उंगली पकड़कर चलते होंगे। अच्छी बात, आप एक काम कीजिए रामकिशोर जी, जैसे मुझे सबूत मिलेगा या आपकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूंगा, आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपने अभी इस केस को नजरअंदाज किया तो हमें आगे मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई करेंगे बेशक, आप शुरू कर दीजिए आगे की कार्रवाई, शुरू कीजिए आप आगे की कार्रवाई। नहीं आप ये सब कह के क्या दिखाना क्या चाहते हैं, क्या बताना क्या चाहते हैं आप? यही कि जिस तरह आप किसी की मदद कर सकते हैं ठीक उसी तरह हम भी किसी की मदद ले सकते हैं, इसीलिए इंस्पेक्टर साहब बेहतर ये होगा कि आप इस केस की छानबीन बगैर भेदभाव के करें, वरना हमें भी अपनी पहुंच दिखानी पड़ेगी। क्या कहते हैं? एक बात कान खोलकर सुनना, दो मिनट के अंदर मेरी पहुंच क्या है मैं तुम्हें इसी वक्त दिखा सकता हूं। देखिए हम कोई बहस में नहीं पड़ना चाहते, आपसे बहस नहीं करना चाहते, आप अपनी कार्रवाई कीजिए हम अपनी कार्रवाई करेंगे। चलो तुम्हें पुलिस वालों से नम्रता से बात करनी चाहिए। ये कोई तरीका है काम करने का? उनका यही तरीका है। तो फिर हम क्या करें, हाथ में हाथ धरे बैठे? तो क्या लड़ोगे उनसे? पापा कुछ मैं जब मैं बात कर रहा हूं तो तुम्हें क्या जरूरत है? ये अमरनाथ क्या काम करता है ना? हाँ पर वो यहाँ क्या कर रहा? अच्छा अब समझ में आया, वो इंस्पेक्टर इतने भाव क्यों खा रहा था। आपका मतलब ये है कि अमरनाथ जी इंस्पेक्टर को रिश्वत दे रहे? हाँ तू एक काम कर, तू घर चल, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे पापा? यहाँ सीधी तरह से काम नहीं चलने वाला, मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ, वो भले आदमी हैं मेरी बात सुनेंगे और जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तू चल। जी हाँ जी जी ओके ओके।
कर देते। ओके। किसका था फोन? ओ शुक्ला जी का था। अरे शुक्ला के फोन तो आते रहेंगे, काम कुछ करेगा नहीं अपना वो। अरे आइए कामेश जी, क्या हाल है? कैसे इंस्पेक्टर सिन्हा? एकदम ठीक। हाउ आर यू? वेरी वेल सर। बोलिए। वो अभी बाहर रामकिशोर जी दिखाई दिए थे। हाँ अभी आए थे अपने बेटे के साथ, उनकी केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है जानने के लिए। तो क्या कहा आपने? कुछ नहीं, यही कहा कि तफ्तीश जारी है और कानून का काम कानून के तरीके से होता है। वैसे उनके बेटे का नाम क्या है? आशुतोष। हाँ बहुत गर्मी है उसमें, पुलिस स्टेशन में बहुत ऊंची आवाज करके बात कर रहा था, बहुत दम दे के बाहर भेजा है उसे। ये तो बहुत अच्छा किया आपने इंस्पेक्टर साहब, अब आप ये फाइल और बंद करवा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे कामेश जी क्या बात कर रहे हैं, भाई साहब हमारा काम ही बंद करवाना है, चाहे लोग हो या फाइल हो। बेटे चाय कॉफी कुछ हो जाए। नहीं दो चाय बोला। इंस्पेक्टर शुक्रिया, आज थोड़ा जल्दी में है, फिर कभी। जैसे थैंक यू।